चलिए नमस्कार दोस्तों, मैं हिमांशु व्यास आज की सबसे बड़ी खबर लेके आया हूँ। दोस्तों, जो बच्चे पैसों के अभाव में प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी से वंचित रह जाते थे, उनके लिए बहुत ही बड़ी खुशखबरी हमारे राजस्थान सरकार के मुख्यमंत्री ने दी है। उस योजना का नाम है मुख्यमंत्री अनुप्रति कोचिंग योजना। दोस्तों बिल्कुल, आज कंप्लीट चर्चा मैं आपको बता दूंगा इसके बारे में, मुख्यमंत्री अनुप्रति कोचिंग योजना। दोस्तों तो चलिए इसके बारे में देख लेते हैं कैसे कैसे आपको अप्लाई करना है, क्या करना है, क्या योग्यता है। ये देखिए, राजस्थान अनुप्रति स्कॉलरशिप योजना 2021। दोस्तों बहुत हर विद्यार्थी के लिए सबसे शानदार खुशखबरी है। दोस्तों सभी लोगों तक इसकी न्यूज़ आप पहुँचाएं, अब कोई भी छूट नहीं पाएगा बिना कोचिंग के। दोस्तों सबको सुविधाएं मिलेगी। तो देखिए, मेधावियों को सीएम गहलोत की सौगात, आर्थिक कमजोर छात्रों के लिए अनुप्रति कोचिंग योजना शुरू हो चुकी है। जानिए किसे मिलेगा फ़ायदा, कंप्लीट चीज़ें बता रहा हूँ मैं आपको, एक एक चीज़ को आप गौर से देख लीजिए और चैनल को लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए। देखना, प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी करने वाले मेधावी विद्यार्थियों को सीएम अशोक गहलोत ने बड़ी सौगात दी है। अब इन विद्यार्थियों को पैसे के अभाव में, दोस्तों देखो ये अक्सर होता था कि बड़ी बड़ी कोचिंग सेंटरों के अंदर बहुत ज़्यादा पैसे लगते थे, तो पैसों के अभाव में कहीं जो इंटेलिजेंट बच्चे हैं, जो मेधावी स्टूडेंट थे, वो अपनी कोचिंग नहीं कर पाते थे और उनका बेचारों का रिजल्ट कहीं ना कहीं रह जाता था। तो अब कोई भी वंचित नहीं होगा, यानी कि सुनहरा अवसर। दोस्तों बहुत शानदार, मतलब एक क्या बोले कि आपको बैक सपोर्ट मिल गया है। प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी से वंचित नहीं होना पड़ेगा, गहलोत सरकार ने मुख्यमंत्री अनुप्रति कोचिंग योजना की शुरुआत कर दी है। दोस्तों आज तक की सबसे लेटेस्ट खबर, मैं आपको इसका ऑफिशियल न्यूज़ बता रहा हूं। दोस्तों देख लेना, कंप्लीट पढ़ के बता रहा हूं मैं आपको, ताकि आपको कैसे कैसे क्या करना है, एक एक चीज़ आपको क्लियर हो जाएगी। ये देखिए, मैं आपको बता भी देता हूँ कि ये कब की न्यूज़ है। ये देखिए, जयपुर दिनांक 6, आप देख पा रहे होंगे 5/6/2021 की न्यूज़ है। दोस्तों 5/6 परिपत्र में आपको पढ़ के दिखा देता हूँ, आप देख लेना। मुख्यमंत्री अनुप्रति कोचिंग योजना, इसके दिशा निर्देश भी आपको बता रहा हूँ मैं, कि विभिन्न प्रोफेशनल कोर्स और नौकरियों के अंदर आयोजित होने वाली प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी उत्कृष्ट ढंग से कराने एवं समान अवसर प्रदान करने के लिए जनजातीय क्षेत्र विकास विभाग, सामाजिक न्याय अधिकारिता विभाग, अल्पसंख्यक मामले के विभाग के मुख्यमंत्री अनुप्रति कोचिंग योजना 2021 और 2022। दोस्तों 2021 और 2022 किससे प्रारंभ करने के संबंध में सामान्य दिशा निर्देश प्रक्रिया निम्नानुसार है। तो कंप्लीट चीज़ दिखा रहा हूँ, ध्यान से देखते रहना। इस योजना के तहत अब कौन कौन इसके अंदर अप्लाई कर सकते हैं वो बता देता हूँ मैं आपको। SC ST OBC MBC माइनॉरिटी और EWS वाले। दोस्तों अब EWS वालों को भी इनमें काउंट किया गया, तो उनके लिए भी बहुत शानदार खुशखबरी है। दोस्तों कोई भी पीछे छूट नहीं पाएगा। के वर्ग के वे छात्र छात्राएं पात्र होंगे जिनके परिवार की वार्षिक आय ₹8,00,000 प्रतिवर्ष से कम हो, या जिनके माता पिता राज्य सरकार के अगर कार्मिक है, तो उनकी पे मैट्रिक्स लेवल 11 L11। दोस्तों पे मैट्रिक्स चलती है L9, 10, 11, 12, तो L11 तक का वेतन अगर वो प्राप्त कर रहे हैं, तो उनके लिए भी यह योजना मौजूद है। योजना के तहत विभिन्न परीक्षाओं की तैयारी हेतु व्यय की जा सकने वाली राशि, कोचिंग की अवधि और छात्र छात्राओं की न्यूनतम योग्यता। अब मैं आपको बताने वाला हूँ कि इसके अंदर किस प्रकार से आपको अप्लाई करना है, कौन कौन अप्लाई कर सकता है, कौन कौन से एग्जाम के अंदर आप इसको कंप्लीट कर सकते हैं। तो आइए देखें, शुरू करते हैं, मैं वन बाय वन आपको कंप्लीट दिखा देता हूँ। ये देखिए, ऑफिशियल न्यूज़ है, बिल्कुल ऑफिशियल न्यूज़ है। दोस्तों ये राजस्थान सरकार ने जारी की है, PDF कंप्लीट मैं आपको बता देता हूँ, कंप्लीट देख लीजिएगा आप और अभी लाइक जरूर कर दीजिएगा। देखना, सबसे पहले बात चल रही है UPSC द्वारा आयोजित जो सिविल परीक्षा है, जिसको हम IAS वगैरह कहते हैं, जो IAS परीक्षा है UPSC की, या IFS कह सकते हैं, या IPS। तो देखिए, इसके अंदर राशि मिलेगी आपको ₹75,000, ठीक है, अवधि 1 वर्ष, और इसकी योग्यता क्या रहेगी, स्नातक के अंतिम 2 वर्षों में अध्ययनरत कक्षा 12 में 70% अंक होने चाहिए, ठीक है। दोस्तों ये प्रतिष्ठित संस्थानों से यदि आप करोगे उसके माध्यम से मिलेगा ₹75,000। यदि आप अन्य संस्थानों के माध्यम से करना चाहते हो तो ₹50,000 आपको मिलेंगे 1 वर्ष के लिए। स्नातक के अंतिम 2 वर्षों में अध्ययनरत और कक्षा 12 में न्यूनतम 60% अंक आपके होने ही चाहिए। और देखिए कितने लोगों को लाभ मिल रहा है, 200 लोगों को लाभ मिल रहा है। दोस्तों SC ST OBC MBC EWS अदर्स, ये सारे कैंडिडेट यहाँ पे आपके दे रखे, कौन कैटेगरी के अंदर कितने विद्यार्थियों को इसका लाभ मिलेगा। तो एक तो आप समझ गए UPSC के लिए। फिर अपन बात करते हैं RPSC। दोस्तों RPSC विभिन्न एग्जाम कराता है, क्योंकि हम राजस्थान से बिलोंग करते हैं, तो काफ़ी सारे एग्जाम RPSC करवाता है। जैसे RS है, एक RS की बात कर लेते हैं सबसे पहले, राजस्थान एडमिनिस्ट्रेशन सर्विस, ठीक है। दोस्तों तो ये अगर प्रतिष्ठित संस्थानों के माध्यम से आप करो तो ₹50,000 आपको मिलेंगे 1 वर्ष के लिए, और इसमें भी सेम शर्त है, स्नातक के अंतिम 2 वर्षों में या तो वो अध्ययनरत हो या कक्षा 12 में 65% अंक हो, ये दोनों कंडीशन होना जरूरी है, ठीक है। और अगर अन्य संस्थानों के माध्यम से यदि आप कोचिंग करना चाहते हो तो ₹40,000 मिलेंगे आपको 1 वर्ष की कोचिंग के लिए। दोस्तों देखिए कितनी अच्छी आपको
योजना के माध्यम से आपको सुविधा दे रही है सरकार। तो देखिए, स्नातक स्नातक के अंतिम दो वर्षों में अध्ययनरत और 12 में 55% अंक ग्रह हो, ये दोनों अगर आप फॉलो करते हो तो आपको RS की कोचिंग के लिए पैसा मिलेगा। और ये देखो, इसके अंदर 500 विद्यार्थियों को फायदा होने वाला है। SC, ST, OBC, MBC, EWS, अदर्स के लिए यहाँ पर कंप्लीट दे रखा है। देखिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट कंप्लीट मैं आपको जानकारी दे रहा हूँ। ये पूरी PDF जो है ये राजस्थान सरकार ने अपलोड करी है और उसके बारे में मैं आपको विस्तृत बता रहा हूँ। देखिए फिर नेक्स्ट एग्जाम की तरफ हम चलते हैं। RPSC द्वारा आयोजित सब इंस्पेक्टर एवं पूर्व में 3600 ग्रेड पे तथा वर्तमान में पे मैट्रिक्स में पे लेवल 10 या ऊपर की अन्य परीक्षा, अभी आपको बता दूं कि कांस्टेबल की भी बहुत सारी भर्ती आने वाली दोस्तों, तो हमारे चैनल पर आपको हर प्रकार की क्लासेज जरूर मिल जाएगी। बिल्कुल हमारे साथ तैयारी करें और अपना सिलेक्शन आप ले लीजिए। देखिए इसके अंदर आपको राशि मिल रही है 20,000 रुपये दोस्तों, 6 माह की कोचिंग के लिए। ठीक है, बिल्कुल घबराना नहीं है, बिंदास आपको कोचिंग करनी है, अच्छे से तैयारी करनी है और सिलेक्शन लेना है। ठीक है दोस्तों, अपने माता पिता के सपने पूरे करने हैं। न्यूनतम योग्यता देखना, स्नातक स्नातक में अंतिम दो वर्षों में अध्ययनरत और 12 में 50% अंक होने चाहिए और 800 विद्यार्थी इसको लाभान्वित करेंगे। ये इसकी सारी कैटेगरी दे रखी है, कौन कौन कितने कितने विद्यार्थियों को फायदा होने वाला है। देखिए रीट परीक्षा, अभी बिल्कुल जो अधिकांश बच्चे हैं रीट की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए बहुत खुशखबरी, 4 माह की कोचिंग के लिए आपको 15,000 रुपये मिल जाएगा। 4 माह की कोचिंग के लिए 15,000 रुपये मिलेगा यदि आप उसके लिए एप्लीकेबल हो तो। इसमें क्या योग्यता है, BEd STC आपने कर रखी हो और कक्षा 12 में 50% न्यूनतम अंक अगर आपने प्राप्त कर रखे, ये दो यहाँ पर योग्यता होनी चाहिए। 1500 लोगों को दोस्तों फायदा होने वाला है, ये सारी इसकी कंप्लीट कैटेगरी आप देख सकते हैं। देखिए इसका अगर आपको PDF चाहिए तो हमारे टेलीग्राम चैनल जरूर आप ज्वाइन कर लीजिए, प्रियंक व्यास राधे नाम से टेलीग्राम चैनल आप जरूर ज्वाइन कर लीजिए, वहाँ पर हर प्रकार की आपको जानकारी मिल जाएगी। देखिए फिर आगे की तरफ बढ़ते हैं हम लोग, मैं इसको मिटा देता हूँ, आगे की तरफ बढ़ते हैं। मैं आपको एक एक PDF के बारे में कंप्लीट जानकारी दे रहा हूं ताकि किसी के भी, कुछ बच्चों का मैसेज आ रहा था, कॉल आ रहा था सर कि हमको कंप्लीट एक बार जानकारी आप दे दीजिए, तो मैं आपको ये बता रहा हूं कि किस प्रकार से आपको इसके अंदर अप्लाई करना है, क्या योग्यता है, सारी चीज़ें आपको बता देता हूं मैं ताकि आपको किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं रहे। तो देखिए अब नेक्स्ट बात करते हैं, RSSB ठीक है द्वारा आयोजित परीक्षा, जैसे कि पटवारी होती है दोस्तों, कनिष्ठ सहायक हेतु पूर्व की ग्रेड पे 2400 या वर्तमान पे लेवल 5 से ऊपर या पूर्व की ग्रेड पे 3600 पे लेवल 10 से कम की अन्य कोई भी परीक्षा अगर आप देना चाहते हो तो 4 माह की कोचिंग के लिए 10,000 रुपये मिलेंगे दोस्तों आपको। स्नातक में अगर वो अध्ययनरत होना चाहिए, देख कंडीशन अप्लाई है इसमें, मैं फिर कह रहा हूँ कंडीशन इसके अंदर अप्लाई है, हर बच्चा जो इसके मापदंड या मानदंड को पूरा कर रहा है केवल वही इसके योग्य है। तो आप एक बार देख लीजिए कि आप मापदंड को तय करते हैं कि नहीं करते हैं। स्नातक में अध्ययनरत हो या 12वीं में तथा RSCIT अथवा कंप्यूटर कोर्स या ओ लेवल का कोर्स उसने कर रखा हो, ये ओब्लिक वाला है तो इनमें से कोई होना चाहिए, उच्च स्तरीय कंप्यूटर सर्टिफिकेट हो उसके पास या डिप्लोमा कर रखा हो, और इसके साथ में आपको होना चाहिए 12वीं के अंदर 50% अंक होने चाहिए। तो ऊपर वाली सारी चीज़ों में से कोई एक और साथ में 12वीं के अंदर 50% अंक होने चाहिए। ठीक है, तो 1200 लोगों को फायदा होने वाला है, 1200 लोगों को ये पूरी कैटेगरी दे रखी है। कांस्टेबल परीक्षा दोस्तों, इसके लिए बच्चे काफ़ी मेहनत कर रहे हैं और हम लोग भी उनके बच्चों को काफ़ी तैयारी करवा रहे हैं, रीट कांस्टेबल पटवारी वगैरह RSIS की भी काफ़ी सारी वीडियो आपको मिल जाएंगे। 4 माह की कोचिंग के लिए 10,000 रुपये यहाँ पे भी मिल रहे हैं, इसमें केवल ये शर्त है कि कक्षा 10 में 50% अंक होने चाहिए दोस्तों। देखिए 50 से कम होंगे तो उसमें बिल्कुल भी एप्लीकेबल नहीं है, यदि आपके 49.99 भी होंगे तो आप एप्लीकेबल नहीं होते दोस्तों, क्या कर सकते हैं अब ये ऐसा जो रूल है। तो कक्षा 10 में 50% एटलीस्ट मिनिमम होने चाहिए और 800 लोगों को यहाँ पर फायदा होने वाला, ये इसकी कंप्लीट कैटेगरी है। समझ पा रहे हैं आप, कंप्लीट आपको जानकारी दे रहा हूं ताकि आपके दिमाग में कोई भी कंफ्यूजन नहीं हो और आप पहले से ही सोच लें कि किस किस को इसके अंदर फ़ायदा मिलने वाला है और उसके बाद ही आप आगे इसको अप्लाई करें। मैं अप्लाई करने का तरीका भी बता दूंगा, वीडियो को पूरा देखिए, आप वीडियो को पूरा देखिए तभी आप समझ पाएंगे कि मैं क्या बताना चाह रहा हूं। तो आइए नेक्स्ट देखते हैं, इंजीनियरिंग या मेडिकल प्रवेश परीक्षा, जैसे आपके JEE है, IIT नीट की परीक्षा जो है दोस्तों, ये बहुत इंपॉर्टेंट, 12वीं के बच्चे जितने भी 12वीं के विद्यार्थी है आप कंप्लीटली सुन लीजिए, यदि आप नीट की परीक्षा की तैयारी करना चाह रहे हो IIT JEE तो आपके लिए बिल्कुल ये खुशखबरी है। देखना क्या है इसमें, प्रतिष्ठित संस्थानों के माध्यम से करना चाहोगे तो 70,000 रुपये प्रति वर्ष मिलेंगे आपको 2 वर्ष के लिए दोस्तों, कक्षा 11 और 12 में। क्लियर, कक्षा 10 में इसके लिए आपको 70% अंक होने चाहिए, कितने 70% अंक होने चाहिए, और अगर आप अन्य संस्थानों के माध्यम से कर रहे हो तो 55,000 रुपये प्रति वर्ष आपको मिलेंगे 2 साल के लिए और कक्षा 11 एवं 12 में। क्लियर, और कक्षा 10 में 60% अंक होने चाहिए इसके लिए। क्लियर, और ये देखो 4,000 बच्चों को फायदा होने वाला है, ये देख लीजिए आप। एक आती क्लेट परीक्षा, क्लेट परीक्षा भी बहुत इंपॉर्टेंट, काफ़ी बच्चे तैयारी कर रहे हैं उनके लिए भी सुन लीजिएगा, प्रतिष्ठित माध्यम से कर रहे हैं तो 40,000 रुपये दोस्तों, प्रतिष्ठित माध्यम से अगर आप कर रहे हैं तो आपको कितना मिलेगा 40,000 रुपये,
एक वर्ष के लिए कक्षा 10 में 60% अंक होने चाहिए, और अन्य संस्थानों के माध्यम से करें तो 25,000 रुपये एक वर्ष के लिए कक्षा 10 में 50% अंक होने चाहिए, 1,000 बच्चों को यहाँ पर फायदा होने वाला है। तो ये सारे एग्जाम के बारे में मैंने आपको बता दिया, और भी इंपॉर्टेंट बात मैं आपको यहाँ पर पढ़ के बता देता हूँ ताकि आपको कोई भी किसी भी प्रकार का कन्फ्यूजन नहीं रहे दिमाग में। देख लेना, परीक्षार्थियों की मेरिट का निर्धारण उक्त तालिका में वर्णित न्यूनतम योग्यता यानी 12वीं और 10वीं न्यूनतम योग्यता में प्राप्त अंकों के आधार पर किया जाएगा। मेरिट निर्धारण के लिए 10वीं 12वीं की बोर्ड परीक्षा में CBSE बोर्ड द्वारा प्रदत्त प्रतिशत के 0.9 के गुणा में किया जाएगा, जबकि RBSE बोर्ड के 10वीं 12वीं में प्राप्त प्रतिशत को यथावत रखा गया, यानी CBSE वालों का जो भी प्रतिशत उसको 0.9 से गुणा करके उसको काउंट किया जाएगा, जबकि RBSE के लिए 10th और 12th के अंदर जो भी आपके प्रतिशत है उसको रखा गया, उसे डायरेक्ट होगा। नेक्स्ट देखिए, प्रतिष्ठित संस्थानों से कोचिंग प्राप्त करने वाले छात्र छात्राओं को आवास, अब सुन लेना बहुत इंपॉर्टेंट बात आ रही है, आवास, रहने की सुविधा और भोजन इत्यादि के लिए वर्ष में 40,000 रुपये की अतिरिक्त राशि उपलब्ध कराई जाएगी। दोस्तों एक बार आप सभी लोग तालियां बजाते, एक बार सभी तालियां बजाते अपने खुद को कि अब हम भी कुछ कर सकते हैं, हम भी कुछ कर सकते हैं दोस्तों, यानी आपको आवास और भोजन के लिए भी 40,000 रुपये एक साल में मिल रहे हैं। कोचिंग के अलग है और ये अलग है दोस्तों, ठीक है, और इन्हें इस कोचिंग के लिए अपनी आवास छोड़कर किसी अन्य शहर में इस कोचिंग के लिए आकर रहना पड़ जाए। कभी होता है ना कि भाई यहाँ पे कोचिंग नहीं मिलती है तो आप बाहर कहीं जाते हैं, जैसे दिल्ली मुंबई, तो वहाँ पे रहने का खाने पीने का खर्चा काफ़ी हो जाता है, तो उनके लिए बहुत खुशखबरी है। हालांकि अब तो यहाँ पर हर जगह कोचिंग हो गई है, बिल्कुल चिंता मत करिए, हम लोग तैयार बैठे हैं आप लोगों के लिए। यह 40,000 रुपये की अतिरिक्त राशि का व्यय संबंधित विभाग द्वारा भी इस उद्देश्य के लिए किया जा सकता है, यदि विभाग द्वारा ऐसी कोचिंग के लिए आवास भोजन इत्यादि की व्यवस्था की जा रही है। क्लियर दोस्तों, समझ पा रहे हो आप? चलिए आगे की तरफ और बढ़ते हैं। एक एक चीज़ मैं आपको बता दूं ताकि आप वापस मुझसे नहीं पूछे कि सर क्या कैसे क्या करना है, अप्लाई करना है, बस आप इस वीडियो को पूरा देख लीजिए, एक एक चीज़ आपकी क्लियर हो जाएगी। देखना, प्रतिष्ठित संस्थानों का तात्पर्य क्या है इसका ये भी बता देता हूं मैं आपको। UPSC द्वारा आयोजित सिविल सर्विसेज परीक्षा हेतु ऐसे संस्थान जिन्होंने पिछले 5 वर्षों में से कम 3 वर्षों में इन प्रवेश परीक्षाओं में प्रथम 300 स्थान प्राप्त करने वाले विद्यार्थियों को कम से कम 3 विद्यार्थियों के चयन में अपनी सीधी भूमिका निभाई है। मतलब जहाँ पे भी प्रतिष्ठित ऊपर लिखा हुआ है तो कम से कम 3 विद्यार्थियों को जिन्होंने चयन करवा रखा हो किसी भी कोचिंग सेंटर वालों ने, तो उसको प्रतिष्ठित माना गया है। क्लियर। और राजस्थान लोक सेवा आयोग द्वारा आयोजित RS या अधीनस्थ सेवा संयुक्त प्रतियोगी परीक्षा हेतु ऐसे संस्थान जिन्होंने पिछले 3 वर्षों से कम 2 वर्षों में इन प्रवेश परीक्षाओं में प्रथम 100 स्थान प्राप्त करने वाले विद्यार्थियों में, तो टॉप 100 उनमें से कम 5 विद्यार्थियों के चयन में सीधी डायरेक्ट अपनी भूमिका निभाई हो। क्लियर। तो 5 बच्चों का एटलीस्ट अगर चयन हो जाता है तो उसको प्रतिष्ठित संस्थान कहेंगे। सेम टू सेम इसके इंजीनियरिंग मेडिकल के अंदर भी, जैसे NEET IIT की जो कोचिंग कराते हैं उनके भी पिछले 8 वर्षों में कम 5 वर्षों में इन प्रवेश परीक्षाओं में प्रथम 100 स्थान प्राप्त करने वाले विद्यार्थियों में कम 5 विद्यार्थियों के चयन में सीधी भूमिका निभाई हो। क्लियर दोस्तों। और क्लैट के अंदर भी सेम है, कम 5 विद्यार्थियों का उन्होंने क्या करवा रखा हो, चयन करवा रखा हो। तो ऐसे जो भी संस्थान रहेंगे वो प्रतिष्ठित रहेंगे, क्या रहेंगे, प्रतिष्ठित संस्थान काउंट होंगे। देखिए नेक्स्ट PDF पढ़ के बता देता हूँ मैं आपको। ST वर्ग के छात्र छात्राओं हेतु इस योजना का संचालन जनजाति क्षेत्रीय विकास विभाग द्वारा SC OBC MBC और EWS वर्ग के जो इकोनॉमिकल वीकर सेक्शन जो है उनके छात्र छात्राओं के लिए योजना का संचालन सामाजिक न्याय अधिकारिता विभाग तथा माइनॉरिटी के छात्र छात्राओं के लिए योजना का संचालन अल्पसंख्यक मामला विभाग द्वारा किया जाएगा। इन विभागों द्वारा जिलावार लक्ष्य निर्धारण किया जाकर इच्छुक विद्यार्थियों से समय समय पर आवंटित लक्ष्य अनुसार प्राप्त आवेदन पत्रों की मेरिट निर्धारण होगी दोस्तों, कर कोचिंग की व्यवस्था चयनित संस्थानों द्वारा कराई जाएगी। इन विभागों द्वारा प्राप्त आवेदनों में से छात्र छात्राओं का कोचिंग हेतु चयन करते समय यह प्रयास किए जाने होंगे जिससे कुल विद्यार्थियों में कम से कम 50% लाभार्थी छात्राएं हो। दोस्तों याद रखना, ये कंप्लीट जो करेंगे इसके अंदर 50% छात्राएं होनी जरूरी है। इच्छुक एवं पात्र छात्राओं के आवेदन कम आने पर छात्राओं के लिए इस प्रकार निर्धारित स्थानों पर छात्रों को कोचिंग कराई जाएगी। यानी ये कहना चाह रहे हैं कि अगर 50% जो सीटें हैं वो महिलाओं के लिए, छात्राओं के लिए अगर कम छात्राएं आती है तो बाकी की जो है उस पर आप लोग जो पुरुष लोग हैं, जो विद्यार्थी लोग हैं, जो छात्र लोग हैं उनका उसके अंदर कोचिंग कराई जाएगी। विभिन्न संस्थानों द्वारा कोचिंग के परिणामों का नियमित रूप से विश्लेषण कर यह सुनिश्चित किया जाएगा कि छात्र छात्राओं को अच्छी से अच्छी कोचिंग उपलब्ध हो सके तथा इस पूरे प्रयास के अच्छे परिणाम आ सके दोस्तों। चलिए लास्ट PDF और इसकी देख लेते हैं, फिर मैं आपको बताने वाला हूँ कि कौन कौन आपको क्या क्या डॉक्यूमेंट चाहिए और किस प्रकार से आप इसको अप्लाई कर सकते हैं। तो वीडियो आपको कैसा लगा एक बार लाइक कर दीजिए दोस्तों, एक बार लाइक कर दीजिए, अगर पहली बार आप आए हैं तो सब्सक्राइब भी कर दीजिए, और हर बच्चे तक, देखिए हर शिक्षक से भी ये कहना चाहता हूँ कि हर जगह हर ग्रुप में आप इसको शेयर करें ताकि कोई भी बच्चा इस बार बिना कोचिंग के नहीं रहे और अपनी सिलेक्शन को कंप्लीट करवाएं। तो वर्तमान में जनजाति विकास विभाग द्वारा संचालित चिकित्सा तकनीक, जैसे देखिए आप, मैंने कहा था NEET IIT,
प्रवेश परीक्षा पूर्व कोचिंग योजना सामाजिक न्याय अधिकारिता विभाग तथा अल्पसंख्यक मामलात विभाग द्वारा संचालित अनुप्रति योजना के स्थान पर नई मुख्यमंत्री अनुप्रति कोचिंग योजना संचालित की जाएगी। पहले जो अनुप्रति योजना चल रही थी अब उसकी जगह पे क्या है, फिर से नहीं आ गई है, मुख्यमंत्री अनुप्रति कोचिंग योजना दोस्तों, ठीक है। राजस्थान जनजाति क्षेत्रीय विकास विभाग एवं सामाजिक न्याय अधिकारिता विभाग द्वारा तथा अल्पसंख्यक मामला विभाग द्वारा पूर्व में इन परीक्षाओं के लिए कोचिंग हेतु चलाई जा रही योजनाओं के तहत नई कोचिंग नहीं प्रारंभ की जाएगी, ठीक है, तथा केवल उन छात्र छात्राओं की कोचिंग इन पुरानी योजनाओं के तहत कराई जा सकेगी जिनमें या तो कोचिंग प्रारंभ हो चुकी है अथवा कोचिंग प्रारंभ करने के लिए कार्यादेश दिए जा चुके हैं। यानी आप समझ रहे होंगे कि ये यहाँ पे क्या बात करना चाह रहे हैं कि भाई जो पुराने कोचिंग के हिसाब से जो चल रहे थे तो उसके अंदर नई कोचिंग नहीं आएगी, वो पुराने अगर किन्होंने ज्वाइन कर लिया है तो उनका चलता रहेगा, ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट देखिए, इस योजना के संचालन हेतु सामाजिक न्याय अधिकारिता विभाग नोडल विभाग होगा। आवेदन प्रक्रिया को सुगम बनाने के लिए ऑनलाइन आवेदन सिंगल पोर्टल पर नोडल विभाग द्वारा प्राप्त किए जाएंगे, आप सिंगल नोडल पर जा सकते हैं, मैं बताऊंगा अभी आगे। प्रतिष्ठित संस्थानों अन्य संस्थानों का एम्पैनलमेंट नोडल विभाग द्वारा पारदर्शी हुए के माध्यम से किया जाएगा, इसके समांतर रूप अन्य कार्यकारी विभाग आवश्यक। चलो ये तो अपनी इंपॉर्टेंट बात नहीं है, आगे की तरफ मैं बता देता हूँ आपको और क्या क्या खास बात है। ये देखिए हर प्रतियाँ हर जगह पहुँच गई है, देख लीजिए आप, नरेश कुमार ठकराल विशेष शासन सचिव का ये आदेश है मुख्यमंत्री के द्वारा, और ये देखिए इन लोगों तक यहाँ पर पहुँचा दिए। चलो अब मैं आपको बता देता हूँ इसमें आपको डॉक्यूमेंट्स क्या क्या लगाने हैं, तो देख लीजिए राजस्थान मुख्यमंत्री अनुप्रति कोचिंग योजना 2021 क्या क्या डॉक्यूमेंट चाहिए। आधार कार्ड आवेदक का, मूल निवास प्रमाण पत्र चाहिए, आय प्रमाण पत्र चाहिए, जाति प्रमाण पत्र चाहिए अगर है, जिनकी जाति जैसे SC ST OBC है तो उनको चाहिए गई, जनरल वालों के लिए जाति प्रमाण पत्र नहीं होता है, EWS के लिए EWS सर्टिफिकेट की सत्यापित प्रति चाहिएगी, प्रवेश परीक्षा उत्तीर्ण करने या शिक्षण संस्था में प्रवेश लेने के प्रमाण पत्र की भी सत्यापित प्रति चाहिएगी दोस्तों, ठीक है, याद रखना प्रवेश परीक्षा उत्तीर्ण करने के, जैसे IAS के अंदर होता है ना प्री परीक्षा, अगर आपने उत्तीर्ण कर लिए तो फिर आपको यहाँ पर उसकी सत्यापित प्रति लगानी पड़ेगी। शपथ पत्र, मोबाइल नंबर, पासपोर्ट साइज फोटो और BPL कार्ड अगर हो तो BPL वाले BPL कार्ड भी यहाँ पर आप लगाएंगे, क्लियर। तो ये आपके सारे डॉक्यूमेंट है, ये डॉक्यूमेंट आपको तैयार करके रख लीजिए। नेक्स्ट देखिएगा राजस्थान अनुप्रति योजना आवेदन पत्र, ये आप कैसे प्राप्त करेंगे ये बताता हूँ मैं, कैसे आप इसको करेंगे। राजस्थान अनुप्रति स्कॉलरशिप योजना के आवेदन फॉर्म आप नज़दीकी ई मित्र केंद्र से आप प्राप्त कर सकते हैं, ठीक है दोस्तों। ई मित्र आपके जो भी नज़दीक ई मित्र है उसको जाके आप बोलिए कि मुझे इसका आवेदन पत्र चाहिएगा, राजस्थान अनुप्रति मुख्यमंत्री योजना, राजस्थान मुख्यमंत्री अनुप्रति योजना का आवेदन पत्र चाहिए। इसके अलावा आप संबंधित विभाग की ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर भी ऑनलाइन आवेदन पत्र प्रस्तुत कर सकते हैं, ठीक है। तो आप इसकी जो ऑनलाइन वेबसाइट है वहाँ पर जाकर भी आप प्रस्तुत कर सकते हैं, राजस्थान अनुप्रति स्कॉलरशिप योजना करके आप डालेंगे तो आ जाएगा। साथ ही आप विभाग की आधिकारिक वेबसाइट पर अनुप्रति स्कॉलरशिप योजना की अन्य जानकारी भी ठीक प्रकार से कंप्लीट चेक कर सकते हैं। देखिए मैंने आपको कंप्लीट बता दिया है, और भी आप चाहो तो आप जाकर वहाँ पर चेक कर सकते हो, वैसे आपको कोई चेक करने की जरूरत नहीं, मैंने कंप्लीट बता दिया दोस्तों। यदि आप चैनल पर नए हो तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब शेयर लाइक कमेंट जरूर कर दीजिए, और आप मुझे जरूर बताइए कि योजना आपको कैसी लगी। अब हर बच्चा पढ़ेगा दोस्तों, हर बच्चा पढ़ेगा, तो यूट्यूब के अंदर देखिए सब्सक्राइब का बटन आता है, सब्सक्राइब दबा दीजिए। ये प्रियंक व्यास राधे नाम से जो आप अभी इस चैनल पर देख रहे हैं, माँ सरस्वती धाम क्लासेस ऋषभदेव नाम से हम लोग चलाते हैं, और यहाँ पर बच्चों को तैयार किया जाता है कि किस प्रकार से मेंटल तैयार हो और हर प्रकार से किसी भी एग्ज़ाम के लिए वो फाइट कर सके और जीत सके। काफ़ी बच्चों का सिलेक्शन भी हुआ है दोस्तों यहाँ से, आप लोगों के प्रेम और स्नेह से। तो ये जानकारी थी, और भी ऐसी कोई जानकारी आएगी तो ज़रूर हम आप तक शेयर करेंगे, इसलिए आपको कह रहा हूँ कि आप सब्सक्राइब का बटन दबा दीजिए तक, और नोटिफिकेशन पर ऐसी घंटी पर ऑल कर दीजिए आप, तो जैसे ही हमारा वीडियो आएगा आप तक पता चल जाएगा कि हाँ नया वीडियो आया। तो चलिए जानकारी कैसी लगी कमेंट सेक्शन में ज़रूर आप कमेंट कीजिएगा। तब तक फिर नई योजना के साथ मिलेंगे, नई जानकारी के साथ मिलेंगे। नमस्कार, वंदे मातरम, भारत माता की जय, इनकलाब जिंदाबाद।